पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की कलश महामानव यात्रा हमीरपुर में गांधी चौक पर शुरू की गई। इस मौके पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजेंद्र जार की अगुवाई में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। श्रद्धांजलि मौके पर दर्जनों कार्यकर्ताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम के दौरान पूर्व विधायक अनीता वर्मा, पूर्व विधायक कुलदीप पठानिया, प्रदेश महासचिव सुनील शर्मा, प्रदेश प्रवक्ता दीपक शर्मा, वरिष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ता अनिल वर्मा, हमीरपुर ब्लॉक अध्यक्ष सुरेश पटियाल इत्यादि मौजूद रहे। जिला कांग्रेस अध्यक्ष रिंदर जार ने बताया कि हमीरपुर सुजानपुर अन्नदान के कलश को ब्यास नदी में विसर्जित किया जाएगा और वडसर के मानखड में और भोरंज के सीरखड में कलश को प्रभावित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को संगठित करने में पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह की अहम भूमिका रही है और पार्टी ने अपना एक आज मसीहा खो दिया है। इससे ऐसा है कि हमने एक जो रहनुमा होता है पार्टी का, वो उनके वेश में हमने खो दिया है। और जिस ढंग से उन्होंने दिशा निर्देश दिए हैं और जिस दिशा को लेकर उन्होंने पार्टी को आज हिमाचल में खड़ा किया है, इसमें उनकी बड़ी भारी सहयोग रहा है, बड़ी भारी कोऑपरेशन रही, बड़ा भारी उनकी तरफ से काम किया गया है। और इनके जाने से क्षति तो हुई है पार्टी को, और हम ये कोशिश करेंगे कि इनके मार्गदर्शन पे हमारे जो बाकी साथी हैं वो चलकर इस पार्टी को और मजबूत करें। और जैसा कि राजा साहब का एक मिशन था, आखिरी मिशन था कि वो कांग्रेस पार्टी को 2022 के इलेक्शन में सत्ता में देखना चाहते थे, उस मिशन को लेकर पूरी पार्टी चली है। हम भी यहाँ जिला में उनके इस मिशन को पूरा करेंगे। जिला में अलग अलग जहाँ उनकी स्थानीय नदियाँ या छोटे जलाशय हैं उनमें किया जाएगा। आप हमीरपुर का जो ये अस्थि कलश है, इसका प्रवाह कहाँ करेंगे? भोरंज का है, भोरंज का वहीं कर रहे हैं, वो सीर नदी है उसमें कर रहे हैं, यहाँ संगम है उनका जी। और ये कर रहे हैं मानखड में, जो बटसर वाले नहीं, बटसर वाले जी, ये तो डेफिनेटली उसी में कर रहे हैं। वहीं इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष एवं पूर्व विधायक अनीता वर्मा ने कहा कि स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के स्वर्ग सिधार जाने से पार्टी के साथ साथ सभी नेताओं को भी उनकी कमी खलती रहेगी। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय वीरभद्र सिंह ने पूरे प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़कों को बनवाया है। उन्होंने कहा कि हमीरपुर जिला के लिए स्वर्गीय वीरभद्र सिंह ने उत्थान के लिए बहुत कुछ किया, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। राजा जी एक स्वयं में एक इंस्टीट्यूट थे, वो एक आर्किटेक्ट थे, हिस्टोरियन थे, और आज जो ये हिमाचल प्रदेश ने इतना प्रोग्रेस किया है, ये राजा साहब की सोच थी, और ख़ास करके ग्रामीण क्षेत्रों में। मुझे याद है कि छोटे छोटे स्कूल और कॉलेजेस राजा साहब ने ऐसे ऐसे क्षेत्रों में पहुंचाए जहां पर वहां के युवाओं को बहुत मुश्किल था शहरों में आना और वहाँ पर पढ़ने के लिए, और उन्होंने ऐसी ऐसी सड़कें और पुल बनाए जो कि आज लोग उनको सराहते हैं और कहते हैं कि ऐसा जो पूरा एक नेटवर्क है जो आज बिछा हुआ है वो कभी पहले नहीं बिछा था। और मैं खास करके हमीरपुर के लिए कहूँगी कि जितना राजा साहब ने हमीरपुर के लिए इसके उद्धार के लिए किया है, बेशक वो NIT है, बेशक पॉलीटेक्निक है, बेशक यहाँ के जो कॉलेजेस हैं या सैनिक स्कूल है सुजानपुर का, या यहाँ के अपने हमीरपुर जो पूरा है, इसमें जितनी डेवलपमेंट सड़कों की, पानी की स्कीम, लगवालती की, मतलब जितना डेवलपमेंट है वो सब उन्हीं की है देन यहाँ के लिए। तो मैं समझती हूँ उनके जाने के बाद हमने एक बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर खोया है, हमने एक बहुत अच्छा लीडर खोया है। हम लोगों को काफ़ी धक्का तो लगा है उनके जाने के बाद, क्योंकि उनके होने से सारे जो कांग्रेसी थे वो समझते थे कि हमारे ऊपर एक बहुत अच्छा आशीर्वाद है किसी बड़े नेता का, तो उस आशीर्वाद से वो थोड़े वंचित हो रहे हैं। और हम यही करेंगे कि राजा साहब जहाँ भी हों वहाँ पर वो उनकी आत्मा, उनका जो अपने विचार हैं वो ठीक रहें, खुश रहें, और उनके परिवार को भी हम सहानुभूति देते हैं कि भाई वो भी खुश रहें, वो भी आगे बढ़ें, और आगे भी राजनीति जो छोड़ के गए राजा साहब उसको संभालें।
इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस महासचिव सुनील शर्मा ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के लिए श्रद्धांजलि समारोह में सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री की आत्मा की शांति के लिए सभी ने प्रार्थना भी की है। पूर्व मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह जी, आज भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। उनको एक समय मिला, उस समय का उन्होंने सदुपयोग करते हुए राजनीति में अपना स्थान बनाया, समाज सेवा में अपना स्थान बनाया और हिमाचल प्रदेश के लिए अनेक कार्य किए। उनका स्थान हिमाचल प्रदेश की राजनीति में हमेशा आदरणीय रहेगा। मैं अपनी तरफ से, कांग्रेस की तरफ से उनकी आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ। पूर्व विधायक कुलदीप पठानी ने कहा कि स्वर्गीय वीरभद्र सिंह ने हिमाचल के विकास के लिए कई काम किए, जिसके चलते आज हिमाचल का नाम पूरे देश में बाकी राज्यों के मुकाबले अव्वल दर्जे पे है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की बदौलत ही आज हिमाचल सर्वसंपन्न बन सका है। राजा वीरभद्र सिंह एक नाम नहीं, एक विचार है। उस विचार ने हिमाचल की तरक्की में, हिमाचल की गरीबी में, हिमाचल की स्वास्थ्य में, हिमाचल की सड़कों में एक बहुत बड़ा अहम रोल अदा किया है। आज हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान के कुछ गिने चुने जो राज्य हैं उनके ऊपर है, जो बड़े राज्यों से आगे निकला हुआ है। इस सारा का सारा श्रेय जो है वो राजा वीरभद्र सिंह जी को जाता है, चाहे शिक्षा का क्षेत्र है, चाहे सोशल सर्विस का क्षेत्र है। आज हम संपन्न हैं और हिमाचल जो है वो अपने पाँव पे खड़ा है और उसकी वजह से आज हमारे में और हमारी कांग्रेस में, और मैं क्या कहूँगा कि पूरे देश में उस जैसी महान शक्ति का देश से चले जाने से पूरे देश को और पूरी कांग्रेस पार्टी को जो क्षति हुई है, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उस क्षति को पूरा करने के लिए कोई और कोई ऐसा शख्सियत तैयार हो, ताकि वो इस प्रदेश का और इस प्रदेश के लोगों का जो है वो विकास कर सके और कांग्रेस के विचार को आगे ले जाने का जो प्रयास कर सके। मैं उनके स्वर्ग में जाएं और उनका परिवार इस दुख को झेले, मैं ही प्रार्थना करता हूं और आशा करता हूं कि समस्त प्रदेश जो है उनके चलाए हुए जो नियम है, काम है, उनको पूरा करने का प्रयास करेगा और हम कांग्रेस जन उनकी बनाई हुई जो रास्ते हैं उनको आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की कलश महामानव यात्रा के मौके पर सुजानपुर में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सुजानपुर में सुजानपुर के विधायक राजेंद्र राणा की अगुवाई में कलश महामानव यात्रा का आगाज किया गया, जिसमें काफी संख्या में सुजानपुर के कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। आज हिमाचल प्रदेश के 72 ब्लॉकों में राजा वीरभद्र सिंह का अस्थि कलश है, शिमला से सब ब्लॉकों में गया है और आज सुजानपुर ब्लॉक के सभी कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और आज वीरभद्र जी को उनके निधन के ऊपर जो है श्रद्धांजलि आज दी गई है और जगह जगह अस्थि कलश जो है वो पहुँचा है और लोगों ने जगह जगह श्रद्धांजलि दी है। आज हिमाचल प्रदेश के लगभग सभी प्रदेश के लोग जो हैं प्रदेश में इस बात का गहरा शोक व्यक्त कर रहे हैं और राजा वीरभद्र जी का हिमाचल प्रदेश में जो योगदान रहा है वो सदियों सदियों तक बढ़ाया नहीं जा सकता है और राजा वीरभद्र जी ने हिमाचल प्रदेश में विकास करने है और 7 साल लगातार प्रदेश की जनता की सेवा की है, उसको युवा युवा तक याद रखा जाएगा। आज बड़ी तादाद में सुजानपुर चुनाव क्षेत्र के लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और आज सभी ने श्रद्धांजलि दी है और सुजानपुर में भी राजा वीरभद्र जी के आशीर्वाद से बहुत सारे ऐसे काम हुए हैं जो और इतना विकास हुआ है कि लोग वर्षों वर्षों तक राजा वीरभद्र जी को याद रखेंगे। आज हमारे बीच में वो नहीं रहे परंतु वो हमेशा हमारे बीच में रहेंगे, हमारे दिलों में वो रहेंगे और हिमाचल प्रदेश के लोगों के दिलों में रहेंगे क्योंकि उन्होंने लोगों के दिलों में स्थान बनाया। तो राजा वीरभद्र सिंह जो राजा परिवार से थे और जो राजा ही नहीं थे, लोगों के दिलों में भी उन्होंने राज किया है, लोगों के दिलों में भी राज करके गए हैं। ऐसी शख्सियत जो है वो मुझे लग रहा है कि सदियों बाद ऐसे शख्सियत पैदा होती है और राजा वीरभद्र सिंह जी को हमेशा लोग याद रखेंगे और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति दें
और उनके परिवार को इस कष्ट को, इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें, और उनके साथ जो जुड़े लोग हैं जो आज पूरी तरह आघात हैं, दुखी हैं, उनको भी ईश्वर ताकत दे कि इस सदमे से उभरने का उनको ईश्वर जो है वो शक्ति प्रदान करें। और हम फिर से ईश्वर के चरणों पर प्रार्थना करते हैं कि उनको अपने चरणों में स्थान दें, और हिमाचल प्रदेश के लोग चाहते हैं कि फिर से हिमाचल प्रदेश में जन्म लें, और जिस तरीके से उन्होंने 60 साल हिमाचल प्रदेश की जनता की सेवा की है, फिर से इस हिमाचल प्रदेश में जन्म लेकर फिर से हिमाचल प्रदेश के लोगों का कल्याण करें और जन कल्याण के काम फिर से यहाँ पर आके करें, ऐसा लोगों की इच्छा है। और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो हिमाचल प्रदेश में फिर से इस धरती पे, हिमाचल की इस देवभूमि में यहाँ पर जन्म लेके लोगों की फिर से